देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल लेवल पाकिस्तान, आपका होस्ट शाकिर चौहान खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान साहब ने कहा है कि गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, जेल गया तो और खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान ने ये अपना बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान ने गैर मशरूत माफी मांगने का मौका जाया कर दिया। तजिया कारों का तजिया, फर्द जुर्म आयद होना, इसका इशारा अदालत की तरफ से आ जाना अहम बात है। इसके अलावा इमरान खान ने पहले या दूसरे मरहले में माफी तलब नहीं की। मेरा मशवरा है कि वो अना और हट धर्मी छोड़ दें और टेक्निकल नॉकआउट होने से बच जाएं। जस्टिस रिटायर्ड लोधी साहब, साबिक वजीर आजम माफी ना मांगकर तारीखी गलती करेंगे। तजियाकार, इमरान खान को अपने तर्जमानों, मशीरों और कानून माहिरीन जिनसे मशवरा लेते हैं उन्हें फारग कर देना चाहिए। तो नाजरीन, ये तजियाकारों ने भी आपस का जो तजिया किया है वो इमरान खान के खिलाफ किया है। इमरान खान ने माफी को अपनी का अना बना लिया है। अगर इस अना को बना के रखेंगे और इस हठ धर्मी को नहीं छोड़ेंगे तो याद रहे कि माजी के अंदर भी हाजिर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी नाहल हो गए, इसके अलावा नवाज शरीफ भी नाहल हो गए, इसके अलावा तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ ये भी फारग हो गए। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने माफ़ी ना मांगी तो इनका मुस्तकबिल तारीफ होगा। और माफ़ी को अना ना बनाए, माफ़ी को हठ धर्मी का हिस्सा ना बनाए, बल्कि जो तजियाकारों ने तजिये किए हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस अना को इस माफ़ी में नाम में तब्दील कर दें और जो इनके पास मशीर और वजीर आपस के जो कानूनदान इनको मशवरा दे रहे हैं वो इनको टेक्निकल नॉकआउट करवा देंगे। और बाद में होना क्या है, जो चिड़ियाँ चुग जाएँ खेल।